नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजीत। खबरों के खिलाड़ी में आपके काम की, आपके दिन भर की हर खबर होगी। शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान से आ रही खबर के साथ। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार की रूपरेखा आज तैयार होने वाली है और खास बात यह है कि ईरान की तर्ज पर तालिबान सरकार बनाएगा जिसमें एक सुप्रीम लीडर होगा और ये सुप्रीम लीडर तालिबान का सबसे बड़ा नेता हिब्दुल्ला अखुंदजादा होगा। बीते 20 दिनों में अफगानिस्तान की दिशा और दशा दोनों बदल गई है। अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक चुनी गई सरकार भाग चुकी है और तालिबान एक बार फिर लौट आया है। पंजशीर को छोड़कर अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर अब तालिबान का कब्जा है और अब तालिबान अफगानिस्तान में नया शरिया सरकार बनाने जा रहा है और इसका सुप्रीम लीडर होगा तालिबान का सबसे बड़ा नेता यानी आतंक का आका हिब्दुल्लाह अखुंदजादा। अफगानिस्तान में तालिबान की कैसी सरकार होगी, उसमें कितने लोग होंगे, इसका ऐलान तालिबान आज कर सकता है। अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार तो राजधानी काबुल से चलती थी लेकिन तालिबानी सरकार कंधार से चलेगी, वही कंधार जो आतंकियों का गढ़ है। हिब्दुल्लाह अखुंदजादा कंधार में ही रहेगा, बाकी मंत्री काबुल में रहेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान ईरान की तरह सरकार बना सकता है, जैसे ईरान में आयतुल्ला खामेनी सुप्रीम लीडर हैं, इसके बाद राष्ट्रपति, फिर नेतृत्व परिषद, संसद, शूरा काउंसिल, उसके बाद कैबिनेट है। जैसे ईरान में खामेनी का आदेश सर्वोच्च है, वैसे ही अफगानिस्तान में हिब्दुल्लाह अखुंदजादा का ही आदेश सर्वोच्च होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।